लॉयला स्कूल के द्वारा आयोजित आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2014 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लॉयला हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, जो उपाध्यक्ष हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के, श्री ब्रदर क्लेमेंट साहब, ब्रदर देवास्टिन साहब, श्री संजय कुमार सिंह जी जो इसी विद्यालय के छात्र भी रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय में आज सचिव हैं आईएएस पदाधिकारी, श्री ब्रदर सेरिल फुल प्राचार, फादर पीटर, सिस्टर जेसी, विद्यालय के छात्र छात्राएं, इनके अभिभावक, पदाधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, सबसे पहले आज इस 2014 एनुअल प्रतिभागियों को और यहाँ के प्रबंधन को हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आज बच्चों ने मनमोहक अपना कर्तव्य दिखलाया और भी अनेक प्रकार के कर्तव्य इनके होंगे जो दिखलाए जाएंगे। आज समय अभाव है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन मॉर्निंग शोज दी डे पहले झांकी में हमको ऐसा समझ में आया कि लॉयला स्कूल के प्रिंसिपल सहित सभी प्रबंधन के लोग अपने बच्चे को बहुत अनुशासित सिस्टमेटिक ढंग से एक सांचा में ढाल रखे हैं और यही कारण है कि लॉयला उच्च विद्यालय के छात्रगण आज ऊंचे से ऊंचे मुकाम को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हम 2014 मीट के लिए और आगे कुछ ही दिन के बाद आने वाला वर्ष 2015 के लिए सभी बच्चों अभिभावकों और यहाँ के शिक्षक शिक्षक कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। हम आज जब विद्यालय में हैं तो हमारे सामने बहुत सी अनुभूतियां हमारे दिमाग में करवट ले रही हैं। हम लोग सोचते हैं कि काश ऐसे विद्यालय में हम लोगों को भी मौका मिलता ताकि हम लोग भी जीवन में कुछ कर पाते, लेकिन खैर जीवन में कभी तो मिला नहीं। लेकिन आज आपका ये सारा कार्यक्रम देख करके और आपके इस विद्यालय प्रांगण और अभिभावक छात्र और शिक्षकेतर शिक्षक कर्मचारियों को देख करके सचमुच में लगा कि इसी प्रकार की शिक्षा, इसी प्रकार के करियर हम बच्चों में डालें ताकि आगे आने के बाद वो हिंदुस्तान का और समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। बात सही है, आज थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है कि इस प्रकार के विद्यालय के नाम पर हम लोग भी काफी खर्च करते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार में कुछ विद्यालयों को छोड़कर बहुत ऐसे विद्यालय नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जिनको प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे ऐसे विद्यालय से, वैसे ऐसे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों से। हम आज के दिन में कहना चाहते हैं कि प्रायः हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे दिमाग में बात बनती है कि जो हम शिक्षा आज ले रहे हैं वो सर्वांगीण है या नहीं। इसलिए कि कभी काल हमारे दिमाग में बात आती है कि पुराने जमाने में भी कुछ ऐसी बातें आती थी कि जब लड़के गुरुकुल में जाते थे, छात्र गुरुकुल में जाते थे, तो निश्चित रूप में वहाँ सब प्रकार की शिक्षा उनको मिलती थी। वो वर्णमाला भी सीखते थे, धनुर्विद्या भी सीखते थे, लाइफ ऑफ स्टाइल भी सीखते थे, सर्वाइवल ऑफ लाइफ का ट्रेनिंग भी लेते थे और
भाईचारा और सांचल्य की बात तो होती ही थी, और आज कहीं न कहीं हम लोग एक तरफ बढ़ रहे हैं। इससे हमारी शिक्षा में कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे, क्योंकि गीत में हमने देखा और सबने देखा कि उनका शारीरिक उत्थान के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए भी कटिबद्धता दिखलाई पड़ी है। इससे लगता है कि जो हमारे दिमाग में है, जो सोच है कि विद्यार्थी को सब तरह की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसमें रोयला स्कूल आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आज के दिन में हम शुभकामना व्यक्ति के साथ साथ यही अपेक्षा करते हैं कि रोयला स्कूल के ऐसा और सभी स्कूल को और खास करके हमारे सरकारी विद्यालय के लोगों को निश्चित रूप में प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा उन्हीं पर आधारित है। रोयला स्कूल या इसी प्रकार के और सभी स्कूल है बहुत लोगों के पहुंच के बाहर है। हम यहाँ भी प्राचार्य से और प्रबंधन से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी अपने जगहों में कुछ स्थान लोगों को दें, यानी कि सिर्फ ज्यादा पैसा देने वाले गार्जियन का ही और उसके बच्चे का ही स्कूल नहीं है, गरीबों के लिए भी है। तो वैसे सरकार ने नीति बनाई थी 25% आरक्षण की, जिसमें सरकार के द्वारा अनुशंसित या रिकमेंडेड भी विद्यार्थी यहाँ रहे, पता नहीं उसका पालन यहाँ हो पा रहा है या नहीं। हम अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर नहीं पालन हो रहा है तो उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमारे गरीब बच्चे जो आपके विद्यालय के स्टैंडर्ड से के इससे दूर हैं, देहात में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और निरीह लोग हैं, उनको भी इस प्रकार की शिक्षा मिले। हम लोगों ने प्रबंध किया है, हम समझते हैं कि आपके जितने टीचर हैं और आपके शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन लोगों से हम सरकारी विद्यालयों में काफी ज्यादा पैसा देते हैं, ज्यादा सहूलियत है, बावजूद उसके वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये एक सोच का विषय है। हम प्रयास कर रहे हैं और आपके इस एनुअल डे के अवसर पर और यहाँ के माध्यम से हम अपील करते हैं सरकारी विद्यालय के साथियों से भी, जिनको कोई आपसे कम पैसा नहीं मिलता है, संसाधन नहीं है, और बच्चों को अपवाद छोड़ के मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी मेरे जो विद्यालय हैं सरकारी वो सब स्थिति में ना कमजोर है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अधिकांश वैसी स्थिति है। अगर सब लोग मिल करके आपके समान आगे बढ़े तो कोई कारण नहीं है कि हमारे बच्चे जो ग्रामीण बच्चे कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं आगे बढ़ने में, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और जो आज प्रतिबद्धता है, जो कंपटीशन है, कंपटीशन और टफ हो जाएगा, ये लड़के भी और ग्रामीण के लड़के भी दोनों एक साथ मिल करके कंपटीशन में आवे और मेरिट के आधार पर अपना मुकाम को प्राप्त करें, वो एक ज्यादा अच्छा मुकाम और समय होगा, ये हमारे दिमाग में है। इसके लिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी गरीब छात्रों को आप मौका दें, जो सरकार की नीति है उसके तहत, और पुनः हम अपने सरकारी महकमे में काम करने वाले सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को पदाधिकारियों से भी अनुरोध करते हैं कि आपसे सीखें, जिस प्रकार से आप सब तरह की शिक्षा देने को आप कामयाब हो रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे लड़के आगे अच्छे जाते हैं, वाला विद्यालय के लड़के अच्छे आते हैं। उसमें हमारे ही साथ काम करने वाले संजय जी एक IAS अफसर होकर के आज बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि उनके काम से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। उन्हीं के ऐसे हजारों हजारों लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने होंगे, तो निश्चित रूप में देश का काम हो रहा है, राज्य का काम हो रहा है, तो इसमें आप बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। इसके लिए आपको शुभकामना, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, हमको भी गौरव प्राप्त हुआ कि लोयला स्कूल ऐसे प्रांगण में आकर के हम आप लोगों से सानिध्य प्राप्त किया और अपनी कुछ बातें रखी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और छात्र छात्राएं और हमारे टीचर्स टीचर्स के बच्चों के अभिभावक और सभी पदाधिकारियों को पुनः पुनः 2015 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।